कोमल अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और उसे उठाते हुए कहती है, अरे ओ कोमल की बच्ची, जल्दी उठ, तेरी ये गंदी आदत सुधरेगी नहीं ना, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी हमेशा बेड गीला कर देती है, जल्दी उठ। अरे माँ सोने दो ना, आप भी ना सुबह सुबह उठा देती हो। सुबह के 7 बज रहे हैं, जल्दी से उठ जाओ वरना बेड गीला कर देगी और फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा बेडशीट। हट जल्दी यहाँ से। मुझे बाथरूम जाने दो, हटो हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाथरूम जाने दो, मुझे बहुत जोर की आई है। कोमल अपने बेड पर ही लेटे लेटे अपनी माँ से हटने के लिए कह रही थी। उसे लग रहा था कि वो उठकर बाथरूम में जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने बेड पर ही पड़ी थी और जैसे ही वो हल्की हो जाती है तभी गीलेपन की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो कहती है, ओ तेरी, इस बार भी बेड पर ही सूसू निकल गया, माफ करना, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। सत्यानाश हो तेरा, कल ही नई बेडशीट ली थी, तूने फिर से खराब कर दी। ये बेडशीट मैंने मेहमानों के लिए बिछाई थी, भूल गई क्या? आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अब उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी होने वाली बहू बेड पर सूसू करती है। माँ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे होने वाले ससुराल वाले विदेश से आ रहे हो, एक तो आप मेरे गाँव में शादी कर रही हैं, ऊपर से मेरा मजाक बना रही हैं और मुझे डांट रही हैं। अपनी गलती भी नहीं मान रही है और इतने ताव दिखा रही है, पहले तो जल्दी से उठकर तू बेडशीट सही कर वरना आज मैंने तेरी चमड़ी उधेड़ देनी है। इतना कहकर माँ वहाँ से चली जाती है और कोमल नहा धोकर बेड की चादर चेंज कर देती है। कुछ ही देर में कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और रीमा उनका स्वागत करती है। रीमा सभी को घर के अंदर बुलाकर बैठा देती है और कोमल को आवाज देकर नाश्ता पानी लाने के लिए कहती है। कोमल एक संस्कारी बहू की तरह सर पर दुपट्टा डाले सभी के लिए नाश्ता पानी लेकर आती है। उसे देख पहली नजर में ही राहुल अपना दिल खो देता है और उसकी होने वाली सास मधु भी उसे बहुत पसंद करती है और कहती है, अरे वाह, हमने तो सुना था शहर की लड़कियां पहनावे में गांव की लड़कियों से बिल्कुल अलग होती है, वो तो जीन्स टॉप और शॉर्ट ड्रेस पहनती है, लेकिन आपकी बेटी तो उनसे बिल्कुल अलग लगती है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, हम तो चाहते हैं चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। अब आपने हाँ कह दिया तो हम मना कैसे कर सकते हैं, हमें भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है, क्यों कोमल बेटी? कोमल शर्मा के घर के अंदर चली जाती है और ये देखकर राहुल भी शर्मा जाता है। सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे, लेकिन कोमल की मारी माँ को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं कोमल के होने वाले पति और होने वाली सास को कोमल की सूसू करने वाली आदत के बारे में पता चल गया तो कहीं शादी से इनकार ना कर दे, इसलिए वो उन्हें सच्चाई नहीं बताती है। कुछ समय बाद कोमल और राहुल की शादी हो जाती है। शादी में विदाई से पहले कोमल की माँ रीमा अपनी बेटी को एक बैग में बहुत सारे हगीज देती है और कहती है, देख बेटी, दुनिया भर में जब किसी माँ की बेटी की शादी होती है तो वो अपनी बेटी को दहेज में सोने जेवरात और ना जाने क्या क्या सामान देती है, लेकिन मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए ये हगीज देना चाहती हूँ। इस बैग में बहुत सारी हगीज है, मैं नहीं चाहती तेरे ससुराल वालों को तेरी सूसू करने वाली आदत के बारे में पता चले, तो तू टाइम से ये हगीज पहनकर सो जाया करना और जल्दी उठकर इस हगीज को निकाल देना ताकि तेरे ससुराल में किसी को भी इस बारे में पता ना चले। सच में माँ आप बहुत अच्छी हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी सास और पति मेरे हगीज पहनने की आदत के बारे में उन्हें पता ना चले। हाय मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसकी सूसू करने की आदत अभी भी नहीं गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अब कोमल डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। जाने से पहले भी उसने एक हगीज पहनी थी, इसलिए रास्ते में उसे कोई चिंता नहीं होती है, वो फिर आराम से ससुराल चली जाती है। ऐसे ही कुछ घंटों बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर आराम से सो जाती है। अगली सुबह थकान की वजह से उसकी जल्दी आंख नहीं खुलती और उसका हगीज लीक हो जाता है कि कमरे के बाहर कोमल की सास मधु खड़ी थी, क्योंकि आज कोमल की मुंह दिखाई थी तो गांव की सभी औरतें मधु को शहर की बधु को देखने आई थी और मधु कोमल के कमरे पर दस्तक देती है। बहू, ओ बहू, सुबह हो गई, उठ जा, गांव की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आई हैं, जल्दी से उठकर तैयार हो जा। अपनी सास की आवाज सुनकर कोमल की नींद खुल जाती है और वो उठकर देखती है तो उसका बिस्तर गीला हो रखा था, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके सूसू में आधे से ज्यादा भीग चुका था। ये देख कोमल परेशान हो जाती है और कहती है,
अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मैंने तो कहा था डायपर पहनने से सूसू बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लगता है ये डायपर लीक हो गया। अब मैं क्या करूं? राहुल जी भी पूरे गीले हो चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि मैंने यहाँ सूसू कर दिया है तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। बहू, ओ बहू, उठ गई क्या? जी हाँ जी, उठ गई। आप चलिए, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बाबू, जल्दी से तैयार होकर आना। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है और कोमल एक बाल्टी पानी लाती है और सीधा राहुल के मुंह पर पानी मारती है। ये देख राहुल कहता है, ये क्या कर रही हो? तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? पागल हो गई हो क्या? नहीं जी, वो मेरी माँ ने बताया था कि हमारे यहाँ ये रस्म है कि शादी की अगली सुबह दुल्हन दूल्हे को पानी मार कर उठाती है। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। बड़ी अजीब प्रथा है, ये रोज रोज तो नहीं होती ना? नहीं जी, बस आज के लिए ही थी। शुक्र है, अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, तुम मेरे लिए कपड़े निकाल दो। इस बार कोमल बहाना बनाकर और जल्दी से तैयार होकर नीचे मुंह दिखाई की रस्म के लिए चली जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में आए सभी होती मधु की शहर वाली बहू की तारीफ करते हैं और इस बात पर मधु को भी बहुत नाज था क्योंकि उसके घर शहर की बहू जो थी अब हर रात कोमल हगीज पहनकर सो जाती थी और सुबह उठकर जल्दी से हगीज उतारकर कमरे में रखे कूड़ेदान में डाल देती। धीरे धीरे ये बहुत सारे हगीज होने की वजह से कमरे में रखे कूड़ेदान में से बदबू आने लगती थी और ये देख एक दिन राहुल कहता है, छी, ये बदबू कैसी है? पूरे कमरे में बहुत गंदी बदबू आ रही है। कुछ नहीं जी, लगता है कमरे में कहीं कोई चूहा मर गया है तभी ये बदबू आ रही है। नहीं नहीं, ये बदबू उससे भी बुरी है, मेरा तो दम घुट रहा है इस बदबू से। आप चिंता मत करो, आज मैं कमरे की अच्छे से सफाई कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, ये साफ कर देना। इतना कहकर अब राहुल वहाँ से चला जाता है और कोमल जल्दी से कूड़ेदान को उठाकर टॉयलेट की खिड़की से बाहर कर देती है। सारे हगीज वो फेंक देती है। मधु के पड़ोस के घर के आंगन में वो जा गिरते हैं। ये देख पड़ोसन बाहर आती है और मधु के घर पर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मधु भाभी, ओ मधु भाभी, जाता यह तो आवा ई सब का है? हमार घर को कौनो कूड़ेदान समझी हो का? यहाँ अपने बच्चे के सारे हगीज खाली कर दिए। क्या कहा, बच्चों के हगीज? वो भी हमारे घर से? नाना पड़ोसन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है जो हम किसी को हगीज पहनाए। और ये देखो, हगीज किसी बच्चे के नहीं किसी बड़े के हैं और हमारे घर में ना छोटा है ना बच्चा है और ना ही बड़ा है। तो क्या तुम कह रही हो कि मैं झूठ कह रही हूँ? ये सारे हगीज तुम्हारी वो खिड़की से आ गिरे हैं। मधु को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया है और जब उसकी बहू कमरे में नहीं होती तब उसकी सास जाकर वो हगीज देख लेती है और उन सब हगीज को वहाँ से उठाकर ले जाती है। रात के समय कोमल जब हगीज पहनने के लिए बैग में देखती है तो वहाँ हगीज नहीं होता। ये देख वो परेशान हो जाती है और उसे ऐसे देख मधु वहाँ आकर कोमल से कहती है, अच्छा तो ये है हमारे घर का वो बच्चा जो हगीज पहनकर पड़ोसन के घर के आगे देखता है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अपनी इस बीमारी के बारे में बताने ही वाली थी। बचपन से ही मुझे बेड गीला करने की आदत है, बहुत बार इलाज कराया पर ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए मुझे हगीज पहनना पड़ता है। कोई बात नहीं बहू, अगर ये एक बीमारी है तो मैं तुझे गांव के आयुर्वेदिक दवाई दिलवा दूंगी, उससे तेरी ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और तुझे ये हगीज भी नहीं पहनना पड़ेगा। मधु अगले दिन कोमल को वैद्य के पास ले जाती है और दवाई दिलवाने चली जाती है, जिसकी मदद से कुछ दिनों बाद ही कोमल की सूसू करने की आदत ठीक हो जाती है। कंचन को आज देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए उसकी माँ सरला उसे एक नया सूट देते हुए कहती है, ले ये सूट मैंने तेरे लिए सिलवाया है, आज इसे पहनकर ही तू लड़के वालों के सामने आना, तुझ पर बहुत जचेगा। माँ ये सूट तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे ही पहनूंगी, लेकिन माँ देखो ना, जब से मुझे पता लगा है कि आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तब से मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। अरे ऐसा घबराहट के चलते हो रहा होगा, चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी रसोई में जाकर काम देखती हूँ। सरला कंचन को सूट पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर आ जाते हैं तो सरला चाय नाश्ता देते हुए उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। तभी लड़के की माँ विमला कहती है, बहन जी वैसे घर तो आपका बड़ा सुंदर है, मैं कह रही थी आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, आखिर रिश्ते की बात तो उसे देखने के बाद ही आगे बढ़ेगी ना।
जी जी बहन जी, मैं अभी अपनी कंचन को लेकर आती हूँ, वो बस तैयार ही हो रही है। सरला अब कंचन के कमरे में पहुँचती है तो कंचन उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी वो परेशान होकर कहती है, हाय दैया, ये लड़की कहाँ चली गई? कहीं घर से भाग तो नहीं गई? कंचन, अरे ओ कंचन, कहाँ है तू? सरला की आवाज टॉयलेट में बैठी कंचन को सुनाई पड़ती है तो वो वहीं से आवाज लगाकर कहती है, माँ मैं कहीं भागी नहीं हूँ, वो तो मुझे घबराहट के मारे जोर से आ गई, तो मैं बाथरूम में हूँ। हे भगवान, सत्यानाश हो इस नालायक का, ये कोई समय है क्या इन सब चीजों का? अरे लड़के वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं और ये टॉयलेट में बैठी है। इस वक्त तुझे टॉयलेट जाना था, उन्हें पता लगेगा तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, तो ऐसे बोल रही हो जैसे उनको तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। अब इन चीजों पर किसी का बस तो चलता नहीं है ना। चुप कर नालायक, और ये भाषण बंद करके जल्दी बाहर आ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, समझी? हाँ हाँ, बस दो मिनट में आ रही हूँ, चैन से करने भी मत दो। लड़के वाले इंतजार कर रहे होते हैं, तभी कुछ देर में सरला कंचन को लेकर बाहर आती है। कंचन को देखकर विवेक और उसकी माँ की आंखों में चमक आ जाती है। तभी विवेक अपनी माँ के कान में कहता है, तो मुझे लड़की पसंद है, आप तो बस हाँ कर दो और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। नहीं नहीं बेटा, हाँ करने की भी क्या जरूरत है, सीधा फेरे ही करवा देती हूँ ना तेरे नालायक। जी यही है मेरी कंचन, बहुत गुणी है और समझदार भी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है और फिर विवेक और कंचन भी आपस में बात करते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है और दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। तभी एक रोज लड़के वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ शगुन देने के लिए कंचन के घर आते हैं तो विमला सरला से कहती है, बहन जी देखिए, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि शादी की दोनों परिवार की सारी रस्में साथ में करें, वो भी हमारे घर, जैसे हल्दी और मेहंदी की रस्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे दोनों तरफ के रिश्ते भी आपस में मिल लेंगे। बहन जी मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा हल्दी की रस्म से ठीक एक दिन पहले आप बहू और अपने रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर आ जाइएगा, शुरुआत हल्दी की रस्म से ही होगी। हाँ हाँ, हम जरूर पहुँच जाएंगे। अब विमला शगुन का सारा सामान लेकर वहाँ चली जाती है और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इस बीच कंचन के घर में हलवाई शादी के लिए लड्डू तैयार कर रहे थे। उन लड्डुओं को देखकर कंचन के मुंह में पानी आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वो एक बार में ही ढेर सारे लड्डू खा जाती है। तभी उसकी सहेली वंदना उसके घर आती है और उसे इस तरह लड्डू खाता हुआ देखकर कहती है, हे भगवान, इतने सारे लड्डू तू खा रही है, अरे तेरी शादी है, अपने फिगर का तो ख्याल रख, इतना क्यों खा रही है पागल? लड्डू इतने स्वादिष्ट हैं वंदना कि मुझसे रहा नहीं गया। बस कर पागल, वरना कहीं तुझे दस्त ना लग जाए। ओहो, खाने के समय पर ऐसी बात कर दी ना, ले नहीं खा रही, अब खुश? हाँ खुश, चल कमरे में। वंदना कंचन को कमरे में ले जाती है, लेकिन कंचन ने वंदना के आने से पहले ही इतने सारे लड्डू खा लिए थे कि अगले दिन उसका पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम के चक्कर लगाती रहती है। अब हल्दी का दिन आ जाता है और कंचन अपने परिवार के साथ विवेक के घर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो कहती है, माँ दो मिनट, मैं अभी आई। अरे पहले ही क्या कम देर हुई है तुझे, और दो मिनट चाहिए, चल जल्दी। आंटी जाने दो, वरना ये यहीं रायता फैला देगी। मतलब क्या है तेरा? इसका मतलब है कि मेरा पेट खराब है माँ, जाने दो, अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी कंचन भागते हुए टॉयलेट में जाती है और सरला यहाँ अपना सर पकड़ लेती है। कुछ देर में सरला कंचन को दवाई देती है, जिसके बाद सभी विवेक के घर पहुँचते हैं और फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। हल्दी में विवेक के दोस्त भी आए होते हैं। तभी विमला कहती है, हाय क्या जोड़ी है मेरे बेटे और बहू की, किसी की नजर ना लगे, चलो अब हल्दी लगाना शुरू करो। हल्दी की रस्म के लिए आए सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना शुरू करते हैं। तभी कंचन के पेट में फिर से गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर मन ही मन कहती है, हे भगवान, पेट में फिर से भूचाल आ रहा है, अब क्या करूं, किससे कहूं, ऐसी बीच रस्म में उठकर भी तो नहीं जा सकती। तभी कंचन एक बदबूदार पान छोड़ देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो विवेक का दोस्त राहुल कहता है, उफ, ये स्मेल कैसी आ रही है?
हाय हाय, कौन इतनी बदबूदार छोड़ रहा है, सारा वातावरण दूषित कर दिया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको कैसे कहूं कि ये कारनामे मैं ही कर रही हूं। तभी वंदना सरला के कान में कहती है, आंटी लगता है कंचन को फिर से आई है, देखो कैसे कंट्रोल करके बैठी है। हाँ तो उसको बोल थोड़ा और कंट्रोल करे, अब ऐसे चलती रसम में उठकर तो नहीं जा सकती ना। कंचन तो अब मुश्किल में पड़ जाती है कि इतने लोगों के बीच से उठकर कैसे बाथरूम जाए। उसे जोरों से लगी होती है जिससे उसके चेहरे पर भी पसीना आने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कपड़ों में ही कर देती है। हे भगवान, अब क्या होगा। माँ आपको अजीब सी बदबू नहीं आ रही। बदबू, कैसी बदबू होने वाले जीजा जी, और जिसे आप बदबू कह रहे हैं ना, वो हल्दी की खुशबू है। राहुल लगता है तेरी साली की नाक खराब है जो बदबू को खुशबू कह रही है। वैसे अब तो मुझे भी बदबू आ रही है, लेकिन ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। तभी विमला इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर चुपचाप बैठी कंचन और उसके कपड़ों पर जाती है जो पीछे से गंदे हो गए थे। तभी वो गुस्से से कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया, बैठे बैठे ये सब कैसे। विवेक यार, लगता है भाभी का पेट खराब है। बताओ आज हल्दी चल रही है और इसके पीछे इसकी ये कारनामे। माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसलिए। हाय दैया, हल्दी की रसम में ही तेरा पेट खराब होना था। बहन जी, अरे काम से यहाँ आने से पहले इसे दवाई तो दे देती। सरला कुछ बोल ही नहीं पाती और रसम में आए सारे रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंचन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी विवेक कहता है, माँ आपको ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अरे हल्दी में बहू का पेट खराब है और उसने ये हरकत की, तो इसमें तमाशा उसने किया या मैंने किया। माँ कंचन की तबीयत खराब है, उसे दस्त हो गए हैं और इसमें उसकी भी क्या गलती है, सब उसका मजाक बना रहे हैं। उस पर क्या बीती होगी आपने सोचा है, और आंटी कंचन शर्म से नहीं कह पाई होगी, लेकिन आपको तो ये बात माँ को बता देनी चाहिए थी। सरला का सर झुक जाता है। कुछ देर बाद कंचन नहा धो लेती है तो विवेक उसे समझाता है और खुद हल्दी की रस्म के लिए लेकर आता है, जिसके बाद उनकी हल्दी की रस्म सम्पन्न हो जाती है।